इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जनाब बोल रहे हैं हमको बैठने का बोल रहा है, ठहर के ठीक सुनने अच्छा लगे। हमारी बहन ने आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाई, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई हो। मगर एक बात से शुरू करूंगा मैं, एक दिया लगा होता है और जैसे उसमें तेल खत्म होता है तो जोर से फड़फड़ाता है, रोशनी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बस बस खामोशी से। और वैसे ही अभी बीजेपी की बत्ती में तेल खत्म हो गया तो जोर से फड़फड़ा रहा है, थोड़ी रोशनी ज्यादा दिख रही है। चमकाई मत, चौंकी मत, उसे कोई उजाला फैलने वाला नहीं है, ये बुझ जाने वाली है, यकीन मानिए इस बात। ये बार बार बच्चों खामोश रहिए, क्या बोलेंगे, बाहर से लोग आए हैं। हाँ, उज्ज्वल नगर के बच्चे हैं, अच्छे हैं, क्योंकि सुना है। आई 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 खुशामदी, आई बैठ जाए। बार बार हम सुनते हैं कि हम सेक्युलर है, वो सेक्युलर है, सरकार सेक्युलर है, जनता दल के ब्रैकेट में यस है तो वो सेक्युलर है, कांग्रेस सेक्युलर है, बीजेपी कहता है कि सभी सूडा सेक्युलर है। सेक्युलर का फिरदौस बैठ जाइए, वो बैठ जाएंगे, अपने आप से बड़े हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। हा? रेफरी की जरूरत यहाँ है हमारी पार्टी में, यहाँ बैठ जाइए। तो सेक्युलर का सही मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आज ध्यान रखिए, जब सरकार या वतन सेक्युलर होता है तो कोई भी सरकारी इमारत में, कोई भी ऑफिसर के पीछे कोई मजहबी निशानी नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। यहां के मुख्यमंत्री हो तो उनका कोई मजहब होना नहीं चाहिए, वो ऐसे दिखेंगे वो कोई मजहब के नहीं है, उनके आसपास शरीर पे ऐसे लगे कि वो बगैर कोई मजहब के हैं। आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाए वो भी वैसे ही लगे, तहसीलदार के ऑफिस में जाए वो भी वैसे लगे। उसकी जाति को आपको पहचानना है तो उसके फ्री टाइम में जब वो मंदिर या मस्जिद में जाता है तब वो जाना जाता है कि हिंदू है या मुसलमान है या क्राइस्ट है या ईसाई है या सिख है। इसका मतलब सेक्युलर होता है कि जो नजर से हम देखते हैं सामने, वहां हमें सिर्फ हिंदुस्तानी दिखे, ना कोई मुसलमान दिखे, ना कोई हिंदू दिखे, ना कोई दलित दिखे, ना कोई क्रिश्चियन दिखे, अगर दिखे तो ज्यादा में ज्यादा कोई गरीब और मजलूम दिखे जिसकी हम मदद कर सकें, इसका मतलब सेक्युलर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में जब मुझे जिम्मेदारी दी मैंने यही रुख अपनाया कि मैं कोई जाति का नहीं, जब मैं ड्यूटी पे निकलता हूं, जब उज्ज्वल नगर में आता हूं या फिर चवाड़ गली में जाता हूं, मेरे लिए सामने सिर्फ हिंदुस्तानी है और सब हिंदुस्तानी है। अब ये ख्वाब कहां देखे, कौन दिखाएगा आपको, कैसे होगा मालूम नहीं। मगर कभी कभी कोशिश कीजिए, जब डीसी ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जाएंगे तो कहना ये सेक्युलर कंट्री है, यहां फलाना 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 चीजें दीवार पे नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ महात्मा गांधी जी का फोटो दिखना चाहिए, ये सेक्युलरिज्म होती है। और हम कर चुके हैं ये, कुछ लोग नाराज हुए हमसे लेकिन डरना तो सीखा नहीं, क्योंकि मेरे लिए दूसरे मेरा अल्लाह काफी है, बाकी तो हम किसी से डरते ही नहीं। हाँ मगर डरता हूं तो आप लोगों से डरता हूं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आप फिक्र मत करो, ऐसे मत करो, और पोलिंग बूथ पे जाता हूं तो 100 में के 70 दिखते हैं, 60 दिखते हैं, 55 दिखते हैं, बाकी पानी भरने जाते हैं,
शौहर के लिए समोसे बनाते रहते हैं। जान पे आई है, आप समझिए सब, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुनने जैसा कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं जल्दी खत्म करूं और घर चले जाए, मैच अच्छी चली है, सबसे ये कह रहा हूं, अब बेदादी करो तो जिंदगी भर आप और आपके आने वाली पीढ़ियां सब पछताएंगी, सबके सब पछताएंगे। और क्यों, सुन लीजिए, यहां पे सुनील हनुमान नावर साहब है, साधन नावर साहब है, हमारे अमरावती से आई हुई हमारी बहन है, एक बात इन्होंने नहीं कहा, शायद किसी ने भी नहीं कहा, बहुत गौर से बीजेपी के लोगों की बातें सुनिए, हम तो 10-20 साल से सुन रहे हैं, ये हमारी मस्जिद तोड़ते हैं किसी और को खुश करने के लिए और बताते हैं कि उल्टी सीधी बातें करके एक तरफ कर देते हैं, हमें बुरा दिखा के, ये हमें गाली देते हैं और दूसरों का प्यार लूटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा भांडवल बीजेपी का आज मुसलमान हो गए कि हमारे नाम से गाली दे और फिर आगे चल के कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी बोलते जाओ। बहुत से हिंदू भाई बहन है जो मेरे दोस्त हैं, बचपन से है, अभी भी है, फैजा गवा की भी दोस्त है, राजू भाई की भी दोस्त है, वही रिश्ता है हमारा, आप भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि वो भी अच्छे हैं, इसलिए ये संविधान चलते आया पिछले 70 साल से। हम दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ हम अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, शायद हमारे जितने अच्छे हैं या शायद हमसे थोड़ा ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, उनसे दूर मत होइए, ऐसे शैतानों को दूर कीजिए और इनको दुकान दूर करने के लिए जो करना चाहिए ध्यान से सुनिए। आप 3.5 लाख मुसलमान हैं बेलगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से ये हमारे नुमाइंदे हैं, और 3.5 मुसलमान के 3.5 लाख हिंदू भी दोस्त हैं, हो गए 7 लाख, इनसे बटन दबाइए जीत जाएंगे। आप 3.5 लाख में के 2.25 लाख घर में बैठेंगे और उम्मीद करेंगे कि मोदी साहब उड़ के चले जाएंगे, तो होने वाला नहीं है, ये सुनिए ध्यान से बात। आप इंतजार करेंगे कि फहीम भाई आपके लिए ऑटो लेके आएंगे, राजू भाई आपके लिए वैन भेज देंगे, भेजेंगे जरूर, हो सकता है उतनी दूर तक, हो सकता है उतनी कोशिश करके भेजेंगे भी जिसको जरूरत है, लेकिन हक करके बैठना और इंतजार करना या तो वोट नहीं डालना, ये गुनाह है, क्योंकि आपका हक वोट डालना है, आपका फर्ज भी वोट डालना है, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है आपको समझाने की। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, क्या हम ही बातें बताते रहेंगे, हम ही सोचते रहेंगे, हम ही कहते रहेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है कौम के लिए, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। आपसे हमने इजाजत नहीं ली थी जब ये चुटके फुटके लाइट के सामने इतने शानदार लाइट लगाए थे उज्जवल नगर में, कि हमारे भाई बहन भी एक शानदार आलीशान गली में रहे और उनकी भी इज्जत बढ़े करके, क्यों लगाए थे ये, पूछे थे क्या आपको, जवाब दीजिए मुझे आप उज्जवल नगर वालों, आपने मुझे सुबह 6 बजे देखा है इधर, हफ्ते में 3 दिन आपकी दावत के बगैर, आप जब सोया करते थे मैं घूमा करता था इधर, मेरे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को किस चीज की इधर जरूरत है करके, याद है कि भूल गए इतनी जल्दी। ये भाईचारा होता है, ये अपनापन होता है, ऐसे ही हमने समर्थ नगर में भी घूमा है, अन्नपूर्णावाड़ी में भी घूमा है, वहां भी हमारे भाई बहन है, चाहे मजहब उनका अलग हो, हमने फर्क कभी नहीं किया, मगर आपके बीच में इसलिए आया हूं कि आप मेरी बात सुनने वालों में से हैं, मेरी बात समझने वालों में से हैं, आप मेरी बात को उतना तवज्जो देंगे कि आज ऐसी आफत है, ऐसी आफत है कि सारा हिंदुस्तान परेशान है। इन्होंने तो गाय भैंस बैल के बारे में बात कर लिया, शौकत अली के साथ में क्या हुआ हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, जानते हो हम लोग, आप जानते हैं ना, हाल में ही हुआ, बर्दाश्त, एक के पीछे 50 मिल के मारे तो 50 को बुजदिल कहा जाता है,
तो हम डरने वालों में से नहीं, बदकिस्मती हमारी के 50 के सामने 5-10 नहीं थे, हम बाकी 5-10 भी काफी हो जाते थे उनके लिए। वो बेचारा 70 साल का दहेज इंसान को 25-50 लोग मिलके मारते हैं, मुंह में सुअर का गोश्त डालते हैं उसके, कितने बुरा हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और ये सभी वही जालिम है जो गुजरात में आज तक 2500 बीवी बच्चों का, मासूमों का, होने वाले बच्चों का, हमल से बेटियों का हमारे अभी तक हिसाब देने में है और हिसाब लेने में है। हम लोग खामोश हैं और आप उठ के बटन दबा नहीं सकते, आप उतना भी अपनों के लिए बदला नहीं ले सकते, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं और कब करेंगे? हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहेंगे क्या? गलियों के लीडर के इंतजार करेंगे? ये बोलेगा करो तो करेंगे, ये बोलेगा मत करो तो नहीं करेंगे? आपका कोई फर्ज नहीं बनता है। अजान हो रही, मैं 2 मिनट खामोश रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने वक्त थोड़ा आगे किया है मस्जिदों में ईशा का। तो ये बात कितने लोग जानते हैं कि 2002 में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा पे क्या क्या हुआ? जरा हाथ ऊपर तो कीजिए। पीछे बहनें जानती हैं नहीं जानती हैं? वो कैसी रात होगी जहां आप ऐसे ही नगर में बैठे थे, जईफ, हमल से बेटियां, घर में शौहर नहीं, अगर शौहर है छोटा बच्चे के साथ बैठा है, 1000, 2000, 200, 400 पुलिस के सहाय के साथ में आके कत्ल करके जाते हैं। 2000 आपके बहनों को, भाइयों को, बेटियों को, और आप में से सिर्फ इतने ही लोग हाथ ऊपर उठाए, मतलब आपको कोई बात का इल्म है ही नहीं। आप तो उठाइए, आप मालूम हो गया, आप तो हाथ उठाइए और ऐसे कीजिए, अभी नीचे मत रखिए, ऊपर ही रखिए उसको, ऐसे कीजिए और बटन दबाइए, तब वो सब गायब हो जाएगा। नहीं तो इनकी हिम्मत बढ़ती ही रहेगी कि ये कुछ करने वाले नहीं है, ये 100 में के 50-60 बाहर आएंगे, वोट डालेंगे, चले जाएंगे, इनकी ताकत से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूछते बोलते ही रहेंगे कब जाना है, पानी आया है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, फिर पानी भी नहीं आएगा एक दिन, फिर क्या धोएंगे मालूम नहीं, हवा करते बैठेंगे उसको। आप लोग समझाते नहीं घर में कि आपको ले जाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने फैसला किया है कि बेलगाम शहर में अगर 100 में का 90% वोटिंग हर मोहल्ले में अगर नहीं हुआ तो मैं अगले दिन से आपके बीच में आना बंद कर दूंगा, शहर छोड़ के कोई दूसरे शहर में जाके बस जाऊंगा, जहां आपको अपनी फिक्र नहीं तो मैं कितनी फिक्र करते बैठूंगा और क्यों करूं? पिछले 10-12 साल में आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि हर हमारे घर का बच्चा स्कूल को जाने के लिए तैयार है, हर माँ बाप को तड़प है, और इसलिए है क्योंकि हम बात करते करते यहाँ तक आपको लाए हैं, और हर हमेशा जहाँ आपको स्कूल के कमरे की जरूरत थी एक की, वहाँ हमने 3 दिन बना के रखे कि पता नहीं अगले 20 साल में क्या होने वाला है। हमने उज्ज्वल नगर के मिलन के पास से शुरू किया काम, मालूम नहीं था अगले 10-20 साल क्या होगा, वापस आएंगे हम नहीं आएंगे, तो ऐसे सड़क बनाए आपके क्या 20 साल तक आप फोड़ने की कोशिश कर दो भी नहीं टूटेंगे, वो 12 इंच का कॉन्क्रीट लगा के दिया है आपको, ये हमारी सोच है आप, मैं नहीं कहता आप मेरे लिए वैसे सोचिए, आप अपने खुद के लिए सोचिए, अपने पड़ोसी के लिए सोचिए, अपने